आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे हमने स्मार्टफोन का यूज करके कुछ इस टाइप का शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, चाइना आज एक्सटेंसिव लेवल पे डैम्स बना रहा है और भारत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। 2016 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास 87,000 से भी ज्यादा डैम्स हैं। चाइना इन डैम्स की मदद से लाखों लीटर पानी स्टोर करना चाहता है जिससे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सके, पर साथ ही वो अपने नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और खास तौर पे इंडिया में जाने वाले पानी को कंट्रोल करना चाहता है जिससे सूखे और बाढ़ जैसी कंडीशंस को डेवलप किया जा सके। इंडिया में बहने वाली बहुत सी रिवर्स जैसे कि ब्रह्मपुत्र, कोसी, सुतलज और इंडस का ओरिजिन चाइना के ऑटोनॉमस रीजन तिब्बत से होता है और चाइना इसका फायदा भी उठाता आया है। जैसे कि 2017 की डोकलाम क्राइसिस के बाद चाइना ने अपना हाइड्रोलॉजिकल डेटा इंडिया के साथ शेयर करने से मना कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि चाइना की तरफ से लाखों लीटर पानी छोड़ा गया जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई। दोस्तों, चाइना आज एक्सटेंसिव लेवल पर डैम्स बना रहा है और ये भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 2016 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास 87,000 से भी ज़्यादा डैम्स हैं। चाइना इन डैम्स की मदद से लाखों लीटर पानी स्टोर करना चाहता है जिससे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सके, पर साथ ही वो अपने नेबरिंग कंट्रीज जैसे म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और ख़ास तौर से इंडिया पर जाने वाले पानी को कंट्रोल करना चाहता है जिससे सूखे और बाढ़ जैसी कंडीशंस को डेवलप किया जा सके। इंडिया में बहने वाली बहुत सी नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, कोसी, सुतलज और इंडस का ओरिजिन चाइना के ऑटोनोमस रीजन तिब्बत से होता है और चाइना इसका फायदा भी उठाता आया है। जैसे कि 2070 की डोकलाम क्राइसिस के बाद चाइना ने अपना हाइड्रोलॉजिकल डेटा इंडिया के साथ शेयर करने से मना कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि चाइना की तरफ से लाखों लीटर पानी छोड़ा गया जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई। दोस्तों, इस टाइप का शॉर्ट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, स्क्रिप्ट राइटिंग। दोस्तों, जब भी आपको अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है तो सबसे पहले आपको एक स्क्रिप्ट लिख लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम जाते हैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने और जैसे ही हम अपना कैमरा ऑन करते हैं हम भूल जाते हैं कि हमें बोलना क्या था। तो अगर आप ये स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और उसको एक दो बार पढ़ लेते हैं तो रिकॉर्डिंग के समय में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग। दोस्तों, जब भी कोई न्यू क्रिएटर आता है यूट्यूब में काम करने के लिए तो उसको स्टार्टिंग में कैमरा फेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप भी एक न्यू क्रिएटर हैं और स्टार्टिंग में आपको कैमरा फेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में आप सिर्फ आप वॉइस ओवर से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप स्टार्टिंग में अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगी तो फिर आप कैमरे में भी आना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि इस वीडियो के लिए देखिए, मैंने ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठ के अपनी वीडियो को कुछ इस टाइप से रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, चाइना आज एक्सटेंसिव लेवल पर डैम्स बना रहा है और ये भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। 2016 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास 87,000 से भी ज़्यादा डैम्स हैं। चाइना इन डैम्स की मदद से लाखों लीटर पानी स्टोर करना चाहता है। पॉइंट नंबर 3, वीडियो फुटेज और इमेजेस। दोस्तों, आप जब अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए आपको कुछ इमेजेस और फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है और अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको वीडियो फुटेज और इमेजेस डाउनलोड कर लेने हैं और कुछ PNG भी डाउनलोड कर लेने हैं। आप चाहो तो कुछ PNG आप किसी भी फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन से बना भी सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ PNG देखिए बना रखे हैं। दोस्तों, एडिटिंग करते समय ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अंदर ये छोटी छोटी एडिटिंग का जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं एडिटिंग करते समय तो आप भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो एडिट कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, मैप की एडिटिंग करने के लिए मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि इस एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डर नाम से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एक दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी होता है जो कि आपके मोबाइल में पहले से स्क्रीन रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दिया होता है, तो सिंपली आप वहाँ पर भी क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आना आपको ये वाले एप्लीकेशन में और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर 3 लाइन बने हुए हैं, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिंपली सैटेलाइट में क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, इसको यूज़ करने के लिए सिंपली देखिए, आप जैसे भी किसी मैप पर टच करते हैं और उसको मूव करते हैं तो देखिए वहाँ पर कलर तो जाता है, लेकिन जैसे आप वहाँ पर अपने हाथ को हटाते हैं उसका कलर वहाँ से हट जाता है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होता है, सिंपली आपको जिस भी मैप को कलर करना है सिंपली उसको टच करके उसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो उसका कलर वो ऑटोमेटिक कलर में हो जाएगा।
इसके बाद अगर इसको आप हटाना चाहते हो सिंपली आप क्लियर में क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मीडिया एडिटिंग के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले वीडियो ले लेना है और इमेजेस को ले लेना है, और इनके बीच में जो प्लस का साइन बना हुआ उसमें क्लिक करके आपको ट्रांजिशन इफेक्ट को लगा लेना है, और वहाँ पे उसके साथ में हमें साउंड इफेक्ट भी लगा लेना है। वीडियो को एडिटिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ से आपको अपना एक्सपेक्ट रेशियो ले लेना है शॉर्ट्स के लिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो वीडियो अभी रिकॉर्ड किया था एप्लीकेशन से उसको यहाँ पर सिंपली ले लेना है, और यहाँ पर देखिए जो भी आप वीडियो के स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ पर आपको सिंपली लेके जाना है प्लेहेड को, और सिंपली आपको सीजर में क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सिंपली ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहेड में क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो भी आपकी वीडियो को स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट जाएगा। सेम इस तरह से आपको लास्ट में लेके जाना है प्लेहेड को, और यहाँ से भी आप सिंपली ऐसे ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड क्लिक पर क्लिक करके यहाँ से कट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको पेन एंड जूम के इफेक्ट में क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपने वीडियो को जूम कर लेना है, और जितना भी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाने के लिए सिंपली यहाँ से आप पेन एंड जूम के इफेक्ट से यूज़ करके यहाँ पे अपने वीडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको बीच का जो इक्वल का साइन है उस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे तो वीडियो दोनों जो हमारा स्टेबल हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि हिलेगा वीडियो, ठीक। तो सिंपली इस प्रकार से आपको करके अपनी वीडियो को आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जाना है आपको मीडिया में, और जो भी इमेजेस आप यूज़ करने वाले हैं सिंपली यहाँ पे आपको ले लेना है, और सिंपली जाना है आपको पेन एंड जूम के इफेक्ट में, और यहाँ से आपको पेन एंड जूम का इफेक्ट लगा लेना है। स्टार्टिंग में आपको जो इफेक्ट है वो लेफ्ट साइड में करना है, और दूसरा अरे में जो है वो उसको आपको राइट साइड में कर देना है। तो जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपको एक एनिमेशन दिखेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता हुआ। इसके बाद दोस्तों देखते हैं तो आपको बीच में प्लस का साइन दिखता है, सिंपली आपको इसमें क्लिक करके यहाँ से आपको ट्रांजिशन इफेक्ट लगा लेना है। यहाँ दोस्तों गेट मोर में जाके यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अच्छे से ट्रांजिशन इफेक्ट। यहाँ पे दोस्तों देखते हो सिंपली यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट जब लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऊपर साइड में यहाँ पे एक टाइमिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप टाइमिंग भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, टाइमिंग आपको जो ट्रांजिशन इफेक्ट जो लगा रहे हैं आप वो कितने सेकंड के लिए आप लगाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली जाना आपको ऑडियो में, और जहाँ भी आपने दोस्तों अगर काइन मास्टर से आप यहाँ डाउनलोड कर रखे हैं पहले से तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं साउंड इफेक्ट। तो सिंपली यहाँ पर जाना ऑडियो में, और जहाँ भी आपको है साउंड इफेक्ट वहाँ से आपको ले लेना है, और सिंपली यहाँ पे आपको ऐसे लगा लेना है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ दोबारा मैं गया मीडिया में, और यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा वीडियो में मैंने एक इमेज का यूज़ किया था यार इमेज का, सिंपली देखिए दोस्तों इस पर भी मैंने पेन एंड जूम का इफेक्ट लगा दिया है, और सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो प्ले करने में कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और यहाँ पे दोस्तों सिंपली यहाँ ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पे भी लगा दिया है, और यहाँ पे भी मैंने साउंड इफेक्ट लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों देखिए मैं सिंपली गया लेयर में, फिर गया मीडिया में, और यहाँ पे मैंने पीएनजी जो डाउनलोड कर रखा था सिंपली यहाँ मैंने इसको लगा लिया, और यहाँ पे गया सिंपली लेयर में, फिर गया टेक्स्ट में, और यहाँ पे जाके सिंपली मैंने लिख दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। और यहाँ पे दोस्तों देखिए सिंपली यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर को भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए सिंपली आप जैसे कि आप मान लीजिए आप वीडियो में आप जैसे ही मान लीजिए आपने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, सिंपली आपने अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया है, तो सिंपली जाएंगे आप ऑडियो में, यहाँ जाके अपने ऑडियो को यहाँ पे आप सिंपली ले लेंगे, और इसके बाद अपने अपनी वीडियो को सिंपली ऐसे ही आपको एडिट कर लेना है। अगर आपने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया तो सिंपली जाना आपको लेयर में, और फिर जाना आपको मीडिया में, और यहाँ से आपको अपने वीडियो को ले लेना है। यहाँ पे दोस्तों अगर अपना यहाँ पे दोस्तों अगर आप एडिटिंग में चाहते हैं कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, सिंपली यहाँ पे अपने वीडियो लेयर में क्लिक करना है, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो में क्लिक कर देंगे तो उसका ऑडियो जो है यहाँ पे बाहर निकल आएगा, और इसके बाद आप वीडियो लेयर को डिलीट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप पूरी वीडियो को एडिट कर लेंगे। इसके बाद सिंपली आपको इस ऑडियो को डिलीट कर देना है, और दोबारा से आपको इस वीडियो को ले लेना है, और सिंपली इसको इसमें आपको क्रॉपिंग कर देना है, और यहाँ पर आपको क्रोमा की भी लगा लेना है। दोस्तों चाइना आज एक्सटेंसिव लेवल पर डैम्स बना रहा है, और ये भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में बीच बीच में आप वीडियो में रहें और बीच बीच में खाली आपका ऑडियो रहे और आप वहाँ पर ना रहें, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको अपने वीडियो लेयर में क्लिक करना है और इसको दो जगह से आपको स्प्लिट कर लेना है, जहाँ तक कि आप सिर्फ ऑडियो को रखना चाहते हैं। और इस कटे हुए भाग में सिंपली आपको क्लिक करना है और जाना सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो में, और यहाँ से आपको इसका ऑडियो वहाँ पर बाहर निकल आएगा और सिंपली इसके बाद आपको अपनी वीडियो लेयर को डिलीट कर देना है। इसी प्रकार से आपको अपनी पूरी वीडियो में इस तरह से एडिट कर लेना है। लेयर एडिटिंग में भी दोस्तों सेम ऐसे ही होता है, वहाँ पे आप इमेजेस में इमेजेस लगा सकते हैं सेम, और इमेजेस में आप की बटन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप पीएनजी इमेज वगैरह लगा सकते हैं, और टेक्स्ट में आप इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन लगा सकते हैं, और उसके साथ में आप साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा वीडियो एडिट करना है और लास्ट में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा लेना है, जिससे कि आपका वीडियो और बेहतरीन लगता है। अब दोस्तों मैं आपको फाइनल एडिटिंग करके दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मैंने कौन कौन सा इफेक्ट लगा रखा है और कहाँ कहाँ पर मैंने साउंड इफेक्ट कैसे लगा रखा है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग जो मैंने मैप लगाया था, इससे मैंने पेन एंड जूम का इफेक्ट लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट मैंने लगा रखा है और उसकी टाइमिंग मैंने 0.5 सेकंड कर रखा है, और यहाँ पर मैंने एक साउंड इफेक्ट भी लगा रखा है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने टैक्स में लिख रखा है और यहाँ पर मैंने एक साउंड इफेक्ट लगा रखा है। जिससे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सके। यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट लगा रखा है और उसके साथ में मैंने यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी लगा रखा है। दोस्तों जहाँ पे मैंने मैप का जो चेंजिंग कर रखा है, वहाँ पे मैंने दोस्तों एक साउंड इफेक्ट लगा रखा है जिसका नाम है माउस क्लिक। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे दो तीन जगह पे लगा रखा है जहाँ पे मैंने मैप को चेंज किया है, जैसे म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और खास तौर से इंडिया पर जाने वाले पानी को। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए यहाँ पे आगे भी मैंने इस तरह से कुछ साउंड इफेक्ट लगा रखे हैं। यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पे किया है मैंने, तो यहाँ पे मैंने एक साउंड इफेक्ट लगा रखा है, सेम इस तरह से यहाँ भी लगा रखा है। और दोस्तों देखिए आगे मैंने जहाँ पे दोस्तों मैंने नदियाँ वदियाँ की जो बात कर रखी है, वहाँ पे मैंने कुछ पीएनजी जो है बना रखा है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से, तो सिंपली आप भी अपने वीडियो के अकॉर्डिंग पीएनजी बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पीएनजी बनाना नहीं आता तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीएनजी बनाना अगली वीडियो में सिखाऊंगा। ये तो दोस्तों देख सकते हैं, एक मेरा पीएनजी बना रखा है जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो मूव हो रहा है, ये सिंपली एक पीएनजी मैंने बना रखा है अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग। तो आप भी अपने वीडियो के अकॉर्डिंग पीएनजी बना सकते हैं। तो इसको वापस से मैं इसको स्क्रीन पर लगा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो आपने तिब्बत का मैप देखा, यहाँ पे देखिए ये भी पीएनजी मैंने बना रखा है और सिंपली मैंने इसको पीएनजी यहाँ पे लगा रखा है तिब्बत का मैप का। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक साउंड इफेक्ट लगा रखा है और ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगा रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज लगा रखा है लेयर में और इसमें मैंने एक की बटन का यूज़ कर रखा है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक चाइना का और इंडिया का जो मैप लगा रखा है उसमें मैंने की बटन का यूज़ कर रखा है। तो सिंपली आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों जो यहाँ पे मैंने साउंड इफेक्ट सुना है, इसका नाम देखिए ट्रांजिशन करके इसका नाम है, इसको सिंपली मैंने गूगल से डाउनलोड कर रखा है, सिंपली आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ गई। इसके बाद दोस्तों जब आपका वीडियो पूरा एडिट हो जाएगा तो लास्ट में आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना अपने वीडियो में और उसका साउंड जो है उसको थोड़ा कम कर देना है अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। वीडियो कैसा था दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। इस टाइप की और वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक कीजिए।